आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी बीएमडब्ल्यू कार का एक्सीडेंट वाराणसी में हुआ है। दुर्घटना में कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि घटना के वक्त तेज प्रताप यादव खुद गाड़ी में मौजूद नहीं थे। घटना गुरुवार सुबह शहर के रोहनिया थाने के कर्नाडाडी मार्ग पर हुई। कार में ड्राइवर के साथ तेज प्रताप के निजी सचिव सृजन स्वराज भी मौजूद थे। कार तेज प्रताप यादव को लाने के लिए वृंदावन जा रही थी। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक तेज गति से आ रही तेज प्रताप यादव की कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। घटना के बाद दोनों कार और ऑटो ड्राइवर उलझ गए। तेज प्रताप यादव के ड्राइवर ने ऑटो वाले से हट जाने की मांग की, लेकिन बाद में तेज प्रताप यादव ने फोन पर मामला सुलझाया। आपको बता दें कि इन दिनों तेज प्रताप यादव वृंदावन में है और उनको लेने के लिए बिहार से होकर रोहनिया के रास्ते उनकी बीएमडब्ल्यू कार गुजर रही थी, तभी ये हादसा हुआ है।